तब मिलेगी सुरक्षा। कब बदलेगा पुलिस के काम करने का तरीका? कब महंगाई पर लगेगी लगाम? कब भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक? कब भ्रष्टाचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई? सड़कों पर लोगों ने किया आंदोलन, क्या बदलेगा सिस्टम? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, गणतंत्र के 63 साल, चुनौतियों से निपटने के लिए कितना तैयार है हिंदुस्तान? नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। कल गणतंत्र दिवस है, तैयारियां पूरी हैं, मिलिट्री माइट दिखाने की भी, झांकियों की भी सुरक्षा चाक चौबंद है। हर बार की तरह गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग आएंगे देखने अपने देश की शान आन बान। देश के हर हिस्से में समारोह का लाइव टेलीकास्ट होगा। ढेर सारे बच्चे भी होंगे सुबह सुबह इस ठंड में, कुछ परेड का हिस्सा जिसके लिए न जाने कब से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और वो बच्चे भी जो परेड देखने आएंगे अपने माँ बाप की उंगली पकड़े उस सैलाब का हिस्सा होने जो अपना है या अपना सा महसूस होता है, मासूम है उन चुनौतियों से बेखबर जो इस गणतंत्र के सामने मुंह फाड़े खड़ी हैं। चुनौतियां जो उनके माँ बाप महसूस कर रहे हैं, रोज की बढ़ती महंगाई में, हर काम के लिए घूस की मांग में, बच्चों की सुरक्षा की चिंता में, अपने साथ हुए हर अन्याय में, छिने हुए मौकों में, सरहद से आती भाइयों बेटों की बुरी खबरों में, आतंकवाद के कारण संगीनों के साए में जिंदगी जीने में। लेकिन ये लोग तब भी आते हैं जो हासिल है उसकी इज्जत करते हैं, हर नाउम्मीदी के बावजूद उम्मीद रखते हैं। ऐसे में कई लोगों का ये कहना कि गणतंत्र दिवस नहीं मनाना चाहिए, दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद विरोध का ये दिन होना चाहिए, ये कितना सही है? क्या जिनसे देश को उम्मीद है उन्होंने देश से उम्मीद छोड़ दी है? क्या देश सिर्फ उसके राजनेताओं से पहचाना जाता है? क्या हर इंसान, अमीर गरीब, युवा बूढ़ा, मर्द औरत इसके हिस्सा नहीं है? ये हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारा ही एक हिस्सा अपनी ही तस्वीर का एक बढ़िया हिस्सा देखने को तैयार नहीं, या वो जो इन अच्छे रंगों को देख सकते हैं किसी भुलावे में जी रहे हैं? हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है इस वक्त हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में। आपको बता दें कविता कृष्णन हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन से जुड़ी हैं। सुभाष कश्यप हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। भरत वर्मा हैं, एडिटर इंडियन डिफेंस रिव्यू से जुड़े हैं। और हमारे साथ बाहर से जो खास मेहमान जुड़े हैं वो योगेंद्र यादव हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पूजा बेदी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। जफर याब जिलानी जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से। सबसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन कविता सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो बार बार बात उठ रही है कि रिपब्लिक डे को एक प्रोटेस्ट डे की तरह मनाना चाहिए, क्यों ऐसा? देखिए, प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? हम तो ये कहना चाहते हैं कि गणतंत्र है तो उसमें वो गण से ही बनता है, कोई सिर्फ तंत्र जो है वो गणतंत्र नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, हम कोई बॉयकॉट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं रिक्लेम करिए, अपना बनाइए। और अपना बनाने का मतलब है सबको बताना, सरकार को भी बताना कि ये गणतंत्र हमसे बना हुआ है। हमको आपने भीड़ कहा, भीड़तंत्र कहा, डेंटेड पेंटेड कहा, हमारी बातों को, हमारे आंदोलन से बने जस्टिस वर्मा रिपोर्ट पर आप चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसे लागू करने की बात नहीं कह रहे हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम भी सड़क पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कल आएंगे। रिपब्लिक डे परेड के बाद भी हम कहेंगे कि जो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं वो उसके बाद चले आए हमारे यहाँ, 2 बजे मंडी हाउस पर हम लोग जुटेंगे और हम लोग आजादी का परेड करेंगे, महिलाओं की आजादी की बात, आधी आबादी की आजादी की बात करेंगे और पूरी आबादी की भी, हर अधिकार अपने बोलने की आजादी जिसको छीनी गई है इन दिनों उसको हम याद करेंगे, उस लड़की को भी याद करेंगे। नहीं, लेकिन जब अपनी परेड की आप बात कर रही हैं और आप एक तंत्र की बात कर रही हैं, तो जो परेड होती है वो क्या अपनी नहीं है? उससे कोई अपनापन महसूस नहीं होता? नहीं, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहती। मैं कह रही हूँ कि वो जो भी है मेरा, उसमें जो उसमें शामिल है वहां मार्च कर रहे हैं उनसे मेरा कोई ये नहीं। मैं लेकिन ये जरूर पूछना चाहूंगी कि कल जो सल्यूट लेंगे वो क्या सचमुच इस देश के गणतंत्र, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो बनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन, डिग्निटी एंड फ्रीडम फॉर सिटीजन्स टू प्रोटेस्ट, इसको लेकर के उनकी क्या रवैया रहा है इस दौरान, इसको अगर हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि उनसे
भी हमें कुछ अलग से भी कहने की जरूरत है। जो मौका शायद हमको कल उस परेड में शायद न मिले, वहां पर जो लोग शामिल हो रहे हैं उनसे भी हम कहेंगे कि वहां भी रहिए, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ भी आप आइए, 2 बजे मंडी हाउस पर हम लोग जुटेंगे, आप लोग जरूर आए और आजादी, महिलाओं की आजादी खास करके, और सबके प्रोटेस्ट की आजादी की बात करिए। ठीक है। India's number one news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.